सिमरनजीत कौर जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यहाँ पर स्वर्णिम सफलता दिलाई है पंजाब की मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। अगर हम बात करें मनदीप की, ये मुक्केबाज भी काफी अनुभवी मुक्केबाज थी, कांस्य पदक विजेता थी कॉमनवेल्थ गेम्स की और प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, आप दोनों ही का ही खेल कौशल बहुत अच्छा था, किस तरीके की रणनीति बनाई थी आपने इनके साथ खेलने के लिए? देखो मेरे साथ हर बार ऐसा नहीं रहता कि मेरे साथ चाहे चाइना आए चाहे हरियाणा आए चाहे आंध्र प्रदेश कोई भी आए, तो मैं एज अ बॉक्सर उसको लेती हूँ कि वो किसी कंट्री का स्टेट का नहीं है पर एक ओपोनेंट है मेरा, तो मैं उस हिसाब से उसके साथ खेलती हूँ और मैं अपनी गेम खेलती हूँ। मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं अपना खेलूँ। तो यही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की अगर हम बात करें, अभी एशियन चैंपियनशिप आने वाली है, उसके लिए आपका सिलेक्शन है, तो एशियन चैंपियनशिप को किस तरीके से लेके चल रही है, अभ्यास आपका किस तरीके का है और क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है आपने उस प्रतियोगिता के लिए? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये नेशनल गेम्स अभी हो रहा है क्योंकि ये हमें एशियन चैंपियनशिप के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, तो अच्छा स्पायरिंग मिल गया मुझे, यहाँ पे 4 बाउट खेल लिया, तो अभी एशियन के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। दूरदर्शन के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। ये थी सिमरनजीत कौर।